लेकिन तो अमेरिकी कानून से होगा, इसको भारतीय संसद और भारत सरकार से क्या लेना देना। जमटा साहब, अगर भारत के अंदर, अगर भारत के अंदर किसी को घूस दिया गया हो, रिश्वत दिया गया हो, तो भारत का कानून भी उसमें देखेगा। अमेरिका में लॉबिंग जो है वो वैध है। एक मिनट मेरी बात सुन ले। भारत में लॉबिंग वैध नहीं है, लेकिन आप अमेरिका में जाए, वहां लॉबिंग वहां लीगल है, वहां के लिए, अमेरिका के लिए। अगर लॉबिंग किया गया है वहां के संसद में सीनेटरों को मोबिलाइज करने के लिए, तो वहां तो वैध है। लेकिन अगर कुछ करोड़ रुपए यहां दिए गए हैं, तो क्या यह भी देखना होगा कि जिन दलों ने इसमें एफडीआई में कांग्रेस का समर्थन दिया है, क्या उन लोगों को भी कुछ पैसे दिए गए हैं या नहीं? ये एक व्यापक इंक्वायरी का विषय बनता है, या किसी कंपनी को दिया गया है, किसको दिया गया है, भारत में पैसा दिया गया है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है कि भारत में किसी सांसद को, भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने बताया कि राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया गया, लोकसभा में क्यों नहीं उठाया गया? कमता साहब, अब मैं आपके सामने पूरे तथ्य प्रस्तुत कर दूं। ये 125 करोड़ रुपए की जो धनराशि बताई जा रही है इस रिपोर्ट में, ये दरअसल वॉलमार्ट की खुद की रिपोर्ट है। चूंकि अमेरिका में लॉबिंग जायज है, वहां पे कानूनन ये बात सही है, लेकिन वहां पे उन कंपनियों को जो लॉबिंग करती है, उनको आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं कि इतना धन उन्होंने खर्च किया है लॉबिंग पर। सर, बहुत सीधी सी बात है, वॉलमार्ट को चूंकि हिंदुस्तान में आना है, और अभी अभी वहां पर बवाल खत्म हुआ है, अभी अभी एफडीआई को किसी तरह से जगह मिली है भारत में, वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया भी हो, कभी भारतीय किसी राजनेता से या किसी अधिकारी से उनकी कभी कोई बात हुई भी हो, मात्र बात भी हुई हो, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी इमेज खराब हो भारत में और इस बात को लीक करें। टमटा साहब, इस पूरे प्रकरण में भारत से कहीं नहीं है, अमेरिकी संसद की कमेटी में उन्होंने अपना किया है कि अमेरिका की सांसदों के बीच में लॉबिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया। भारत में तो कहीं नहीं है कि भारत में इस तरह के किसी को लॉबिंग की गई या किसी को घूस दी। तो हम इसका, इस देश की संसद को डिरेल करने का क्या मकसद है भारतीय जनता पार्टी का? टमटा साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा। लोकसभा में एक बिल पेंडिंग है जिसमें तमाम वो विदेशी ऑर्गेनाइजेशन, विदेशी व्यक्ति जो भारत में अगर किसी तरह की लॉबिंग करेंगे, उनको कानूनी रूप से किस कानून के तहत पकड़ा जाएगा, उसके लिए खुद हमारी लोकसभा में बिल आज भी लंबित है। भारतीय जनता पार्टी कारण वो लोकसभा में आया हुआ है। मेरा सवाल, प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी होता है, अगर ये मामला गंभीर था तो संसद की दोनों सदनों में क्यों नहीं उठाया? आखिर राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का क्या मकसद था? और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने समाज के कमजोर वर्गों के पेपर में एक महत्वपूर्ण विधेयक जो यूपीए सरकार ला रही थी, उसको ट्रेल करने के लिए। अजीब सी एक बात और, अजीब सी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन हो गया है, ये शैडो गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। समाजवादी पार्टी का गठबंधन है जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमोशन के आरक्षण बिल पर चर्चा ना हो। ये बात इसलिए गले नहीं उतर रही है कि अभी कुछ दिन हुए, जुम्मा 4 दिन हुए अभी ये समाजवादी पार्टी आपके समर्थन में लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर गई। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं उठाया, जबकि एफडीआई के मुद्दे में नहीं, मैं पहले आपके प्रश्न का एक साथ राज्यसभा लोकसभा में ये सवाल रखा, दोनों की कार्यवाही को ठप किया। टमटा साहब, आपके ही प्रश्न से प्रश्न उपज रहा है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, उन दोनों ने हाथ मिला लिया और इस बिल को राज्यसभा में नॉन डिस्कशन के लिए लाने के लिए उन्होंने एक बहाना बना दिया यहाँ पर, रिश्वत का। अभी समाजवादी पार्टी ने अभी थोड़े दिनों पहले, 4 दिन भी नहीं हुए इस बात को, एफडीआई रिटेल के मसले पर आपको अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, बल्कि प्रत्यक्ष भी कह दिया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, उन्होंने आपको बेल आउट कर दिया, वो लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर गए, वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न कर रहा हूँ, अगर ये गंभीर मुद्दा था, अगर इसमें कोई, जिस तरह एफडीआई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में ये सवाल उठाया, दोनों सदनों को नहीं चलने दिया और क्या कि वोटिंग के तहत ही दोनों सदनों में बहस की जाए कि नहीं तो हम संसद को नहीं चलने देंगे, आज क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये मामले को कहीं नहीं उठाया? पूरे दिन लोकसभा चलती रही, अलग अलग उसमें तो है, लेकिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को उठा करके जो एक बहुत बड़ा लिस्टेड बिल था जिसका समाजवादी पार्टी खुलेआम विरोध कर रही थी, राज्यसभा की कार्यवाही को नहीं चलने दिया। हमारे साथ दीपक गौर पत्रकार भी बैठे हुए हैं स्टूडियो में। आपका क्या विश्लेषण, आपका आकलन क्या कहता है टमटा साहब की बात पर? दीपक जी देखिए, मेरा जो मानना है, मेरा सिर्फ ये है कि कांग्रेस की जो सरकार है उसके लिए भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार की बात निकल के आती है तो ना तो वो जांच कराना चाहती है जी,
ना ही वो कोई उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना चाहती है, जैसा अभी टमटा साहब भी कह रहे हैं, इधर उधर की बातें करके जो मेन बात है उसको टाल रहे हैं। कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा मुद्दा देश की जनता के सामने निकल के आया है तो अब भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा उठा रही है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि इसमें एक बात बताइए, कहां पर ये कहा कि वाजपेयी ने भारतीय नेताओं को या भारतीय नौकरशाहों को? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कहा, लेकिन उसमें 125 करोड़ का जो जिक्र आ रहा है वो सिर्फ वो ये भारत में इस एफडीआई के बिल को लाने के लिए, उसको पास कराने के लिए ही उसका जिक्र हो रहा है कि ये उसके लिए खर्च किया गया है इसी काम के लिए। अरे दुनिया में ये पैमाना है कि लोग अपने अपने इंटरेस्ट करें, तो हमारे वहाँ किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, हमारे वहाँ कोई लॉबिंग की गई, उसका कोई आता, हम उसकी जांच करेंगे? हम अमेरिका की जांच क्योंकि क्या जांच करेंगे? जी जी, भारतीय जनता पार्टी वाले, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारत के किस कानून का उल्लंघन हुआ है जो यहाँ जांच की मांग कर। चलिए, अगर ये रिपोर्ट आई है टमटा साहब, तो निश्चित रूप से इसको फॉलोअप भी हम करेंगे, और इसको फॉलोअप करने के बाद हम देखते हैं। आप ये जरूर देख लीजिए, आज के लोकसभा में ये एक बिल लिस्टेड है कि नए संबंध में जब कारोबार बढ़ रहा है तो विदेशी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर जब काम करेंगे हमारे देश के नागरिकों में, तो देश के कानून के अनुसार अपराध चलेगा। विदेशी व्यक्ति अगर इस देश में किसी तरीके कमीशन करेंगे उसको किस कानून के तहत, उसके लिए पार्लियामेंट में खुद बिल आया हुआ है, लोकसभा में लिस्टेड है, और पिछले बार भी देश था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण लोकसभा राज्यसभा कार्यवाही के लिए वो बिल पास नहीं हो पाया। हम तो गंभीर है इस मामले में। टमटा साहब बिल्कुल बिल्कुल, हम ट्रैक करेंगे इस रिपोर्ट को, हम आगे भी ट्रैक करेंगे और आपसे फिर दोबारा बातचीत करेंगे, और अगर तथ्य जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो हम स्वागत करेंगे आपका इस मंच पर। बहुत धन्यवाद प्रदीप टमटा साहब हमसे बात करने के लिए। और डॉक्टर एच के सिंह, एक बात तो तय है, इसको डिफेंड ऐसे किया जा सकता था, मैं समझ भी रहा था कि यही डिफेंस आएगा सामने, कि इस रिपोर्ट में किसी भारतीय लॉ मेकर का, किसी भारतीय सांसद का या किसी भारतीय अधिकारी कोई नाम अभी फिलहाल नहीं है। नहीं आया तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कांग्रेस आज कह रही है कि ये प्रमोशन में आरक्षण की बात है, इसको साइडलाइन करने के लिए इस तरह का हंगामा हुआ राज्यसभा में, तो ये कांग्रेस आज बहुत संवेदनशील हो गई है। ये आज से 4-5 दिन पहले से कहां संवेदनशील थी इसी मुद्दे पर, जब संसद में पहले से क्यों नहीं लाया गया? आज एफडीआई के बाद इतना संवेदनशीलता क्यों दिखाई जा रही है जी? तो यहां नहीं लगता कि मैच फिक्सिंग हुआ है जी? यहां खरीदा गया, ये पूरा वोट को खरीदा गया, या वोट को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, जो भी आप कह लें, क्योंकि आप एक इशू पर बार्गेन कर रहे हैं, ठीक है आपको अधिकार है कीजिए, लेकिन ये देश के जनता के साथ छलावा नहीं है कि आप ये करो तो हम आपको ये कर देंगे। तो कांग्रेस इससे पहले कहां संवेदनशील थी जी? आज अगर भारतीय जनता पार्टी या मुलायम सिंह को आप ब्लेम कर रहे हैं तो कांग्रेस कितना संवेदनशील इस मुद्दे पर थी ये देख लीजिए आप। बिल्कुल, क्योंकि आज की बात तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले अपना निर्णय दिया कि ये संविधान का उल्लंघन है, तो एक प्रश्न ये उठता है। दूसरी बात, अगर आप लॉबिंग की बात करें तो यह भी ऐसा छनकर रिपोर्ट आ रहा है कि भारत के अंदर भी पैसे दिए गए हैं, खर्च किए गए हैं, वो पैसा किसको दिया गया ये तो देखा जाए जी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो लोग बेल आउट कर रहे थे एफडीआई पर सरकार को, उन लोगों में से किसी की हाथ नहीं है? ये जब तक जांच नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा जी? और लॉबिंग यहाँ पर वैध है नहीं, अगर किसी को दिया गया तो उसको लॉबिंग आप नहीं कहेंगे, वो सीधा रिश्वत कहेंगे और फिर रिश्वतखोरी का मामला बनेगा। और ये तो यह एक पेचीदा मामला है, और इस पर तो जब जांच होगी या आगे और खुलकर बातें आएंगी, वॉलमार्ट को बताना पड़ेगा। और जो अपने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से लॉबिंग कर सकती है यहाँ, तो आगे देश के बंटाधार करने के लिए वॉलमार्ट क्या कर सकती है, ये हम आप समझ सकते हैं। $500 बिलियन का रिटेल खुदरा बाजार 2020 तक भारत का हो जाएगा, और निश्चित रूप से बिना किसी शक सुबह के वॉलमार्ट और दूसरी तमाम बड़ी रिटेल कंपनियों की नजर इस बढ़ते हुए भारतीय बाजार पर है। और इसके लिए अगर वो अमेरिका में लॉबिंग कर रही हैं तो क्या वो दुनिया में किसी और हिस्से में, दुनिया के किसी और बाजार को प्रभावित करने के लिए, वहां प्रवेश पाने के लिए कुछ और नहीं कर सकती हैं? बड़ा सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप विचार करें, आप चिंतन करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद गुजरात के चुनाव पर चर्चा जारी रहेगी, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कौन से प्रमुख नेताओं ने क्या भाषण दिया, किस पर क्या आरोप लगे, ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद।